the solubility of a specific non-volatile salt in 4 gram in 100 gram of water at 25 degree Celsius. हमें 100 ग्राम ऑफ वाटर में सॉल्युबिलिटी गिवन है एक स्पेसिफिक नॉन वोलेटाइल सॉल्ट की विच इज 4 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड द टेम्परेचर जिस पे ये सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है वो है 25 डिग्री सेल्सियस. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ 2 ग्राम 4 ग्राम एंड 6 ग्राम ऑफ द सॉल्ट एडेड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इन सिस्टम एक्स वाई जेड देन द वेपर प्रेशर वुड बी इन द ऑर्डर. देखो यहाँ पे हमें सॉल्युबिलिटी की वैल्यू गिवन है 4 ग्राम राइट. अब हमें बोला है कि सेम टेम्परेचर पे अगर 2 ग्राम 4 ग्राम एंड 6 ग्राम सब्सिक्वेंटली हमने ऐड किया सॉल्ट ठीक है तो इनका जो वेपर प्रेशर आएगा वो किस ऑर्डर में होगा. ओके अब सॉल्यूशन एक्स की अगर हम बात करें जिसमें हमने 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऐड किया है वो अभी अनसैचुरेटेड है. रीजन इज कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है कि जिसपे वो सॉल्ट फुली सॉल्युबल हो सकता है कि उसके बाद कुछ और उसमें सॉल्युबल नहीं होगा दैट इज 4 ग्राम. बट अभी हमने 2 ग्राम ही ऐड किया है तो वहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा. ओके क्योंकि इक्विलिब्रियम आने में टाइम लगेगा. सिमिलरली अगर हम बात करें वाई एंड जेड की वाई पे जब हम पूरा 4 ग्राम ऐड कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी की लिमिट आ जाएगी उसमें फर्दर हम कुछ ऐड नहीं कर सकते तो हम कह सकते हैं कि जितना उसका वेपर प्रेशर होगा वो अपनी हाईएस्ट लिमिट पे होगा राइट. अब हम 6 ग्राम की बात करें 4 ग्राम के बाद अगर हम उसमें कुछ ऐड करते भी हैं तो उस वजह से कुछ भी वेपर प्रेशर नहीं जनरेट होगा वो ऑलरेडी अपनी सेचुरेशन पे पहुंच चुका है 4 ग्राम जो हमने डिसॉल्व किया. तो वेपर प्रेशर ऑफ जेड किसके बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ वाई के दैट इज आर डी ऑप्शन. वाई एंड जेड का वेपर प्रेशर बराबर होगा एंड क्योंकि ये अनसेचुरेटेड था तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो एक्स का वेपर प्रेशर इन दोनों से ज्यादा रहेगा. D is the right answer.